नमस्कार दोस्तों, करियर करंट में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओपन रैली आर्मी रोहतक हरियाणा से 2020 के अनुसार। इसमें देखेंगे आज की शेड्यूल में कम्प्लीट डिटेल देखेंगे कौन अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यानी इस आर्मी का, और इसकी एजुकेशन क्या रहेगी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा ओपन रैली आर्मी की नोटिफिकेशन देख लेते हैं आज की शेड्यूल में। आर्मी ओपन रैली रोहतक हरियाणा 2020 के अनुसार स्टेट हरियाणा से रहेगी। ये ARO रहेगा, इसका आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस रोहतक रहेगा, यानी आपका फिजिकल कहाँ होगा यहाँ पे देख सकते हैं। राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक हरियाणा में है, ठीक है। स्टेडियम यहाँ पे रहेगा, आपका फिजिकल होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं वो कैन अप्लाई, यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म। यदि आप रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत से बिलोंग करते हैं तो स्टेट यानी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट आपकी यहाँ पे शो कर रखें डिस्ट्रिक्ट से है तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी निकली हुई है आर्मी ओपन रैली के लिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, इसका फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा आर्मी ओपन रैली रोहतक हरियाणा 2020 के अनुसार। यहाँ पे ठीक है अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पोस्ट नेम रहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एंड सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेडमैन की वैकेंसी रहेंगी। एजुकेशन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, एजुकेशन दिखा रखी है। सोल्जर जीडी के लिए 10th पास रहेगी, ठीक है, यानी मैट्रिक पास विद 45% मार्क्स से क्वालिफाई होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्रीगेट सब्जेक्ट होगा, 33% मार्क्स होगा इस सब्जेक्ट में। सोल्जर क्लर्क के लिए दिखा रखी है 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्जाम क्वालिफाई होना, ठीक है। या स्ट्रीम आप देख सकते हैं, आर्ट्स से भी अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि कॉमर्स साइंस से भी हैं, 60% मार्क्स से हैं तो अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम होगा 50% मार्क्स एक सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 50-50 मार्क्स होना ज़रूरी है, 50-50 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि एग्जाम पास होगा इंग्लिश एंड मैथ में, ठीक है। नेक्स्ट में दिख रहा है कि अकाउंट बुक एंड कीपिंग, ठीक है। इसी तरह सोल्जर ट्रेडमैन की यहाँ पे देख सकते हैं 10th पास यानी सिंपल पास या फिर 8th सिंपल पास से क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और इसमें रहेगी हाउस कीपर एंड मैस कीपर एंड शुड हैव स्कोर मिनिमम 33 नंबर मार्क्स। सबसेट से एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं 17.5 साल से लेकर 21 साल तक एज लिमिट रहेगी एज सोल्जर जीडी के लिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको एज लिमिट के बारे में, ठीक है। 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2002 का स्टूडेंट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसी तरह नेक्स्ट क्लर्क के लिए रहेगी यहाँ पे एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक रहेगी। 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2002 का स्टूडेंट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको हाइट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, यानी हाइट रहेगी यहाँ पे देख सकते हैं। सोल्जर जीडी ट्रेडमैन के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए रहेगी 162 सेंटीमीटर रहेगी। वेट रहेगा 50 केजी वेट रहेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे चेस्ट देख सकते हैं 77+5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आपको कंप्लीट दिखाना होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिखा रहा है आपका फिजिकल 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी आपको कम्प्लीटली। और फिर उसके बाद में दिखा रहा है कि बीम प्लस के करना होगा, 6-9 फिट का डिसक्वालीफाई भी करना होगा आपको। इसी तरह नेक्स्ट में दिखा रखा है, ठीक है, जिग जैग बैलेंस होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा रैली साइट पे, यानी मेडिकल टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में कॉमन एंट्रेंट एग्जाम होगा CEE, ठीक है, यानी आपको एग्ज़ाम भी देना होगा। और नेक्स्ट में दिखा रखा है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ओरिजिनल विद अटेस्टेड फोटोकॉपी विद दी रैली साइट पे, इसकी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। एजुकेशन मैट्रिक के पास और डोमिसाइल्स ट्रस्ट स्टेट रिलीजन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसी तरह आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट लेके जाने होंगे। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा या फिर अनमेरिड सर्टिफिकेट, और रिलीजन सर्टिफिकेट है तो आपके पास वो भी, और एफिडेविट आपको लेके जाना होगा। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे देखेंगे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 25 जनवरी 2020 रहेगी, ठीक है। और एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे आपके इसी ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको 26 जनवरी 2020 में आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। रैली डेट रहेगी 10 फरवरी रहेगी, यहाँ पे देख सकते हैं 10 फरवरी 2020 से लेकर 20 फरवरी 2020 तक आपकी रैली रहेगी, ना फिजिकल टेस्ट रहेगा, ठीक है। और इसी तरह डाउनलोड नोटिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और अपना फॉर्म बना चाहते हैं तो डाउनलोड यहाँ पे लिंक
आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक भी मिल जाएगा। इसी तरह यदि आपको हमारे वीडियो चले गए तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।